तो पनागल पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे G7 देश कंट्रीज देश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर CGPSC मेंस, CGPSC मेंस का टॉपिक है ये, पेपर 7 का भाग 2 या भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो चलिए CGPSC मेंस भाग 2 G7 कंट्रीज जानेंगे हम लोग। है क्या जी, इसका ओवरव्यू बताऊंगा मैं अभी। तो G7 सात देश इसमें अभी वर्तमान में शामिल है। पहले ये G8 था, 8 कंट्री इसमें शामिल थे। तो भारत भी इसका सदस्य देश है ना, इसमें शामिल है। 7 देशों में भारत भी इसका शामिल है। अब इसमें क्या क्या इसमें विशेषताएं इसके बारे में जानेंगे, ये करता क्या है। तो ये अपने सदस्य देशों में जो विकसित है, विकासशील जो देश का देश है, उनको क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे आर्थिक हो गया है ना, सामाजिक रूप से उनको क्या है, सहयोग, राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। ये संगठन उनको मतलब क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। कंट्री में है कि नहीं अभी देखते हैं, इसमें शामिल है कि नहीं। G7 के अभी स्थायी सदस्य, स्थायी इसका तो स्थायी मुख्यालय है ही नहीं है इसका, है ना। G7 का स्थायी मुख्यालय नहीं है ये, आपका जगह जगह समय समय पर ये कहीं और दूसरे कंट्री के उसके देश में आपका जाके क्या करता है, आपका सम्मेलन करता है। मेरे ख्याल से इसका भारत सदस्य नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें है कि नहीं शामिल, पता चलेगा। 2003 में ये बना था, लेकिन अभी अभी क्या स्थिति है देखते हैं इसमें। आप लोग देख सकते हैं इसमें भारत इसमें शामिल है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं इसमें गठन कब हुआ था इसका मैं बताता हूँ। गठन आपको 1975 में याद रखिए, है ना। 7 याद रखिए, 7 7 और 5 ऐसे याद रखिए। ये है क्या चीज़, आपको बता चुका हूँ। राजनीतिक रूप से सारे मतलब आर्थिक रूप से क्या करता है, मदद करता है जो अपने जो सदस्य कंट्री के मुख्यालय इसका। सदस्य इसके सदस्य देश कितने हैं आपका, 7 वर्तमान में ना, पहले 8 था, G8 बोला जाता था, अभी वर्तमान में अब 7 है। संस्थापक देश इसके देखिए, संस्थापक देश है इसके जो संस्थापक देश मतलब स्थापना करने के समय जो देश शामिल थे, स्थापना करने के समय जो देश शामिल थे वो क्या है आपका, संस्थापक देश। तो 5 थे, तो पहला है अमेरिका, 5 जो कंट्री इसमें शामिल थे है ना। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, एक है जापान, जर्मनी, जापान और जर्मनी। तो नोट करके आओ, इसमें भी याद कर लीजिए, आगे इसके आगे बोल रहा हूँ। 1976 में ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कौन कौन से 5 हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी। 1976 में इटली और कनाडा भी शामिल हुए थे, इटली प्लस कनाडा शामिल हुए थे, 1976 में शामिल हुए। रूस शामिल हुआ था 1997 में, रूस शामिल हुआ बाद में, रूस उसका भी पता नहीं अभी है कि नहीं। इसमें G8 हो गया था 2014 तक, लेकिन बाद में क्या गया, वापस हट गया वहाँ से, है ना। ये मतलब इस कंट्री से आपका त्याग पत्र दे दिया मतलब। तो इसके विषय कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ मतलब ये आपका देख रेख करता है आपका। तो एक तो आपका आर्थिक पहले तो याद रखिए, है ना, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे। दूसरा आपका राजनीतिक संबंधित मुद्दे। ठीक है, तीसरा में आपका आया व्यापारिक मुद्दा।
तीसरा में क्या आएगा, व्यापारिक मुद्दा, सहयोग क्षेत्र मुद्दा, इसमें और भी है, सहयोग क्षेत्र वाला भी है, किसी को सहयोग प्रदान करना, सहयोगी क्या, सहायता, सहायता संबंधी मुद्दे रहेंगे, कोई भी मतलब किसी को सहायता चाहिए रहेगी तो उसको प्रदान करेगा। तो आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक से संबंधित रहेगा, राजनीतिक, राजनीतिक रूप से कोई संबंधित मुद्दे रहेंगे, व्यापारिक मुद्दा रहेगा तो इसको देखिएगा, सहायता संबंधित मुद्दे, सहायता में तो सभी आ जाएंगे, हर क्षेत्र में अगर कोई सहायता कहीं करना रहेगा तो वही क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। मेन मेन तो यही है, व्यापारिक रहेगा, किसी को भौगोलिक समस्या रहेगा है ना, भौगोलिक समस्या से संबंधित, आपदा से भी रिलेटेड हो सकता है, आपदा संबंधित क्या करेगा, ये मदद करेगा। सम्मेलन, अब देखिए इसमें सम्मेलन जो है ना, सम्मेलन जो है 2021 में हुआ था सम्मेलन इसका, देखिए अभी एक 2020 में हुआ था, 2021 हर साल होता है ना, एक यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में हुआ था, कहाँ, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, अमेरिका यूएसए में, अमेरिका में हुआ था, 46वां नंबर पर है ना। फिर आपका वो 2021 में हुआ यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, ये आपका ब्रिटेन बोला जाता है, ब्रिटेन में 47वां था आपका, 11 से 13 जून तक ये चला था, 11 से 13 जून तक ये क्या हुआ था, चला था, मतलब ये 2021 का था, ये कोरोना महामारी से संबंधित था, कोरोना काल से संबंधित था, ये क्या था, कोरोना काल से क्या होता, ये संबंधित था, ये समझ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें का। देखिए इसमें G7 देश गठन 1975, सदस्य देश 7, वर्तमान, वर्तमान में अभी 7 है, पहले 8 थे इसमें, पहले कितने थे, 2014 तक कितने थे, 8 थे है ना, 2014 तक 8 थे, बाद में क्रीमिया से ये विवाद हुआ रूस का, क्रीमिया से विवाद हुआ किसका, रूस का, 1997 में देखिए शामिल हो चुका है रूस, रसिया, बाद में फिर यह अलग हो चुका, 1976 में इटली और कनाडा शामिल हुए थे। अभी वर्तमान में कौन कौन सा है इसका आप देख लीजिएगा, कौन कौन इसके सदस्य कंट्री देश में शामिल है, तो वर्तमान में इसके देखिए अमेरिका एक शामिल है ना, कनाडा है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, भारत इसका शामिल नहीं है, भारत को लेकिन अभी बुलाया गया था, अभी सम्मेलन जो हुआ था 2021 में ब्रिटेन द्वारा आपका बुलाया गया, 2005 में बुलाया था, जिस प्रथम सदस्य देश था जो ब्रिटेन ने जो बुलाया था, मतलब भारत को, इसमें देखिए बुलाते रहते हैं बीच बीच में ऑर्डर, मतलब इन लोगों का मतलब निमंत्रण देते ही है। वर्तमान में अभी कौन कौन साथ है, वर्तमान में यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही नीचे फिर लिखूंगा तो अलग, वर्तमान में अभी, वर्तमान में है, चलिए नीचे लिखता हूँ, वर्तमान में इसके शामिल है, वर्तमान में आपका पहला तो यूएसए जिसको बोला जाता है अमेरिका, ठीक, यूएसए हो गया, कनाडा, ये दोनों एक साथ याद रखिए, दो इधर नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में 4 है ना, ये देखिए ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, क्या ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इटली, ये शामिल है आपका, ठीक, जापान एक लास्ट उधर, जापान आपका एशिया वाले
क्षेत्र में आपका आएंगे जापान, तो ये साथ में भारत नहीं है इसमें शामिल, भारत इसमें नहीं है शामिल नहीं है, इसको याद रखिए। भारत है कि नहीं पूछ देता है इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पेपर में, भारत है कि सदस्य देश इसमें शामिल है, तो भारत इसका सदस्य देश आपका क्या है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं। तो चलिए इनको जिनको और भी वीडियो देखना है इसका भी और मैं बताते चलूँगा, आप बने रहिए, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, डेली वीडियो आएंगे, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। और जिनको जिनको एडमिशन लेना है CGPSC प्री में, प्री के अभी ले सकते हैं आप लोग, चलिए, या CGPA आप हम किसी भी पढ़ाई करना है आपको एडमिशन ले सकते हैं, आपको पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा के कम 50% आपका लेस रहेगा, आपका शुरुआत किया जाएगा आपका बहुत जल्द, आपको कम कोर्स जो है आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का क्या है, धन्यवाद।